राजा नटना मोबाइल। अरे चलो पीछे निकलने दो। अरे चलो निकलो यार, बाहर निकलो, बाहर निकलो ना। रुको रुको रुको, बस अरे यार एक्टिंग कर। अरे चल पीछे उतर लो। दे ए जान दे रे, हट रे, प्लीज जाने दो मुझे। आजा आजा राखी जी, ए दीपक जान दे मेरी गाड़ी का। इधर 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 अम्मली लेट आया बेचारा। कुछ तो बोलना चाहिए क्या राखी जी? क्या बोलूं? कुछ भी क्या? क्या बोलूं? बोलिए आप। शट अप, रुक जाओ ना थोड़ा। क्या हुआ आपको राखी? इतनी बेइज्जती। एक मिनट एक मिनट। आदिल भाई कुछ बोले क्या? आदिल भाई कुछ बोले आपको? आदिल भाई कुछ बोले? राखी जी इधर। राखी जी बोलने से दिल हल्का होता है, आप बोलिए। राखी जी बोलो बोलो। शादीशुदा हूं ना, बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे ससुराल की इज्जत भी रखनी है, इसलिए बोल नहीं पाऊंगी। राखी जी पर सब लोग बोल रहे काफी फेक है, तस्वीरें फेक है, उसको उसको उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? थैंक यू, सब असली है भाई। थैंक यू भाई, सारे मेरे शादी के प्रूफ दिए हैं मैंने, सब कुछ असली है। मीडिया सारी अंधी है क्या? जाके वो दिया हुआ कोर्ट में जाके चेक कीजिए ना आप लोग, जाके क्यों नहीं चेक कर रहे? क्यों नहीं चेक कर रहे? दस दिन में मेरी इज्जत वापस आ जाएगी क्या? राखी जी ऐसा क्या लगता है क्या होगा? दस दिन में इज्जत वापस आ जाएगी। राखी जी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ होगा आपके तरफ से, क्या कुछ बोलने वाले हो आप? गई हुई इज्जत वापस आ जाएगी क्या? क्या कर रहा है? लाइट कवर हो गया मेरा। माँ मेरी बेहोश है हॉस्पिटल में, बिग बॉस से बाहर आने के बाद एक बार भी चैन से सोई नहीं हूँ मैं। माँ को देखूं कि ये सब प्रॉब्लम्स देखूं मैं, मेरे कोई नहीं इस दुनिया में, कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। राखी जी कोई नहीं, चलो जान दो इधर इधर गाड़ी दे। ये रोहित है ना? राखी जी सब लोग हैं आपके साथ? हम लोग हैं राखी जी। हमने बीच में से राखी जी पूरी मीडिया है आपके साथ। हाँ हम लोग हैं राखी जी, हम लोग हैं ना आपके साथ। तो जाइए ना, वो सर्टिफिकेट कोर्ट में जाके बात कीजिए ना। एक लड़की शादी करती अपना घर बसाने के, क्यों है मेरी जिंदगी में इतने दुख? पहले भी ऐसा हुआ, सेकंड टाइम भी ऐसा हुआ। राखी जी क्या सलमान जी बात हुई आपसे? सलमान जी से मेरे मैटर में सलमान जी क्या करेंगे? उनको मैं नहीं सताना चाहती, जो कुछ कर सकते वो आदिल ही कर सकते। सलमान जी क्या कर ले? बात कीजिए ना आदिल भाई से। कोई फायदा नहीं है उनसे बात करके। आज भी मैंने कहा एक बार मीडिया में कह दो, मेरी माँ आज चलने लगी है, थोड़ी उठी है बेड से। मेरी माँ को पता चल गया तो वो फिर से बेहोश हो जाएगी, मर जाएगी मेरी माँ। अभी तक मेरी माँ को नहीं मालूम है, ऐसे न्यूज चल रही। मेरी मासियों को, मेरे खानदान को मालूम पड़ा है। मेरे खानदान, मेरी मासियाँ, मेरे माँ बाप सब लोग बोलते हैं कि मम्मी तक ये न्यूज ना पहुंचे, लेकिन मम्मी होश में आ जाएगी तो ये न्यूज सुनेगी तो पता नहीं क्या असर होगा उसको। क्यों है मेरे नसीब में इतना दर्द? मैं खा पाती हूँ ना सो पाती हूँ, कुछ नहीं कर पाती हूँ मैं। आखिर जी आदिल भाई के घर वाले क्या बोले कुछ आपसे बात? आदिल के घर वाले से मेरी बात हुई है, उन्होंने उनको समझाया, वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने समझाया कि भाई अगर तूने सचमुच निकाह किया है तो, अगर निकाह किया है तो तू कबूल करने में क्या हर्ज है?
सबके सामने। उनके घर वाले बहुत अच्छे हैं, उनको टाइम लगेगा मुझे अपनाने के, लेकिन आदिल ने तो मेरे साथ कसमें खाई है। थैंक यू, कल मिलते राखी जी, चलो कल आदिल भाई को मिलते। थैंक यू।